नमस्कार, एमडी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुचिश्री। आज हम आए हैं AIMIM के कार्यालय, जिसके महापौर हैं नकी अहमद जी। तो उनके अंतर्गत यहाँ पे पार्षद की बैठक हो रही है, तो आइए हम जानते हैं पार्षद से कुछ सवाल पूछेंगे। और आपको बता दें कि AIMIM में कुछ पार्षद ऐसे हैं जो सपा पार्टी को छोड़ के AIMIM में आए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या गतिविधि है AIMIM की, और कुछ पार्षद से बातचीत भी करते हैं। अच्छा, तो आप AIMIM को कितना मजबूत मानते हैं? बिल्कुल, बेशक बहुत ज़्यादा मजबूत मानता हूँ, और बहुत ज़्यादा इस पार्टी को जो है मतलब अपना समझता हूँ, तब चल के यहाँ तक आया हूँ। और इनका पूरे अपने दिल और जान से जहाँ तक हो सकता है पूरा सपोर्ट करूँगा और सहयोग करूँगा। आपका नाम? मोहम्मद तारिक अंसारी और शिबू नेता। आप किस वार्ड से लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 92 बख्शी बाजार। अच्छा, तो आप कितना मजबूत मानते हैं अपनी पार्टी को? बहुत मजबूत मानते हैं, अब तो और मजबूत हो गए हैं हम लोग। अच्छा, तो अभी वर्तमान समय में अपने वार्ड में किस तरह की समस्याएं देखते हैं? वही नाली नाला, कूड़ा करकट, गंदगी जी। बुरी तरह से चरमराई हुई है गलियां हमारी, तार बिजली के खराब हैं जो बदले ही नहीं जाते हैं। कंप्लेंट होने पर अक्सर हादसे हो जाते हैं जी। जानवर मर जाया करते हैं जी। बार बार कंप्लेंट करने पर विभाग सुनता ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब काफ़ी समस्याएं हैं आपकी वार्ड में। तो अगर आप वो सभासद वहाँ के बनते हैं, आपकी जनता चुनती है आपको सभासद, तो क्या अहम मुद्दा आपका क्या रहेगा? पहला मुद्दा आप क्या रहेगा कि आप अपनी जनता के लिए करेंगे? भाई, जनता हमारी ठीक ठाक चले, वो रास्ते सही हों, बड़खाबर ना हो, लाइट की व्यवस्था दुरुस्त रहे, पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहे, सीवर फटे हुए हैं, बह रहे हैं, गंदगी का माहौल है, ये ज़रूरी है हमारे लिए, जो जिससे जनता तरह तरह परेशान है। मैम, आप भी यहाँ पार्षद हैं जी, तो किस वार्ड से हैं आप? 77 से। अच्छा, जैसे कि आप एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में आना कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? राजनीति में आना कठिनाइयों का सामना तो बहुत ही करना पड़ता है। आपको घर भी संभालना पड़ता होगा, फिर राजनीति भी, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? सब मैनेज कर लेते हैं हम। अच्छा, तो आप AIMIM को कितना मजबूत मानती हैं? बहुत मजबूत मानते हैं, अब और ज़्यादा मजबूत हो गए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, महापौर सपा बीजेपी या फिर AIM ही टक्कर देगा? हाँ, ही टक्कर देगा। हाजी सलामतुल्ला। अच्छा, तो सर, हमने सुना है आप सपा पार्टी को छोड़ के AIMIM को ज्वाइन किया है, तो इसके पीछे आपको उद्देश्य क्या था? डबल ही आएंगे उद्देश्य। 3 दिन पीछे चले जाइए आप, आपको उद्देश्य जनता बता देगी, आवाम हमारी बता देगी, मुस्लिम कौम हमारी बता देगी, हमारा उद्देश्य क्या है। अच्छा, तो आप जनता को भी बता दीजिए। वो 4 तारीख को हम बताएंगे, और हमारी आवाम बताएगी, प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश के मुसलमान बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है AIMIM ज्वाइन करने के लिए, और पार्टी क्यों छोड़ा हमने। तो आपको ये मतलब पूरा विश्वास है कि आपकी महापौर AIMIM कहीं आएगा? बिल्कुल आएगा जी। जो हरकतें हो रही है जी, जिस तरह से जो अराजकता फैली हुई है उसको देखते हुए मुसलमान ने, मुसलमान कौम मुट्ठी बांध चुका है जी, और एक हो चुका है। इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों को हम अपनी ताकत दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नगर निगम का चुनाव करीब आ रहा है, 4 मई को मतदान भी होना है। ऐसे में सारे नेता अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लग चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है AIMIM के नेता नगर अध्यक्ष फैजल वारसी जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह से पूरी हो चुकी है और उन्होंने क्या क्या कर लिया है। आप ये बताइए कि आप तैयारी जिस तरह से चल रही है, आपकी तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है, किस हद तक पूरी हो चुकी है? हमारी तैयारी लगभग 80% हो चुकी है मैडम। सारे वार्डों में जहाँ जहाँ प्रत्याशी हमारे मौजूद हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहे हैं। रह गए मेयर प्रत्याशी के बाद हमारी कंपेन चल रही है। हम हर जगह क्षेत्र में मुख्तलिफ जगहें जा रहे हैं, कहीं झोसी कहीं है, पूरे शहर के बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, उसको हम अपने पूरी कोशिश से कवर कर रहे हैं। फैजल जी, आपने कितने पार्षद प्रत्याशियों को उतारा है? 10 पार्षद प्रत्याशी हमने उतारा है, मेयर है हमारा। अच्छा, तो वार्ड 100 और प्रत्याशी 10 कैसे मैनेज होगा, महापौर की जिम्मेदारी कैसे? मैडम, खाली पार्षद के बल पे मेयर का चुनाव नहीं लड़ा जाता जी। अगर कोई आदमी ये कहे कि 10 ही पार्षद है और आप लड़ रहे हैं, जनता हमारी जितनी है हम जनता के बीच में जाएंगे जी। कम पार्षद लड़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे, हमारा ये है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और बाकी के जो जहां हमारे पार्षद प्रत्याशी नहीं है जी, वहां पर भी हम जा रहे हैं, वहां पर भी जनता से मिल रहा है, हमारे भाई बंद है जी, समझ रहे हैं आप, तो वहां भी वो लोग भी वोट देंगे। ऐसा थोड़ी कि उनको वोट नहीं देना, वोट देंगे, बिल्कुल देंगे, और हमको दे रहे हैं, पूरा अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहां पार्षद प्रत्याशी नहीं, वहां हम मेयर को लेके जा रहे हैं, और उस जगह हमारा खास निगाह है, उन वोटों पर हमारी खास निगाह है।
जहाँ पर हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। तो आपको ये लग रहा है कि हाँ AIIMIM सपा और बीजेपी को टक्कर दे रही है? बिल्कुल टक्कर ले रही है मैडम। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि सपा बसपा कांग्रेस हमारी मजबूरी थी। सपा बसपा कांग्रेस जो है हमारी मजबूरी थी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी मजबूती है। ये जनता जान गई है, जनता की समझ में आ गई है, जनता का रुझान पूरी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आ चुका है। क्योंकि इसका जो कायद है, मतलब जो मेन लीडर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बैरिस्टर है। बैरिस्टर मीन्स लॉ का मास्टर है। इसके बराबर कोई भी काबिल हिंदुस्तान में इस वक्त नेता नहीं है जो कानून का सही जानकार है। और हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लेके चल रहे हैं, हम अपने संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, तो हमने सुना है कि आपके पार्टी में सपा पार्टी को छोड़ के भी कुछ पार्षद आए हैं, तो उसकी पीछे की वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये है कि उनकी आंखें अब खुल गई हैं। उनको ये पता चल गया है कि अब तक सपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है। सपा आज बीजेपी की बी टीम हो गई, उनको इस चीज का अंदाजा हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही नहीं, मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था तो सफाई में वहां डांस देखा जा रहा था। तो ये सारे जो परिस्थितियां हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सपा जो है वो आरएसएस की चड्डी पहने हुए। अच्छा, इसलिए सारे के सारे जो प्रत्याशी हैं वो, और हम तो दे चुके हैं जिनको वोट, जहां हमारे पार्षद प्रत्याशी नहीं थे वहां ने हम उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। 20 साल से रेगुलर पार्षद रहने वाले 82 वार्ड के हमारे आजाद भाई, वो भी हमारी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया, और उन्होंने ज्वाइन किया, सलामतुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया वार्ड नंबर 99 से। उसके बाद अकबरपुर से कांग्रेस के एक नेता अब्दुल सलाम साहब है, वो भी हमारे साथ आए। सबको लगा कि आज के हक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है खाली मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, संविधान की रक्षा अगर करनी है तो राइम को लाना पड़ेगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जनता को वोट करना पड़ेगा। अगर संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान को अगर मानते हैं तो उनको लाना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। तो आपको ये लगता है कि आपके जो पार्षद हैं वो बाकी जो दावेदार पार्षद उनको टक्कर देंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे, बिल्कुल टक्कर देंगे। हम जो बात कर रहे हैं, हमारी भाईचारे की बात हो रही है, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जी। हम संविधान को चिथड़ा करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ध्रुवीकरण की तुष्टिकरण की बात नहीं कर रहे। हमारा मुद्दा ही जो है इत्तेहाद का है, यानी एक हो, यूनाइट हो, हमारे साथ आओ। अच्छा, तो आपने ये जो MIM के पार्षद प्रत्याशी उनके कार्यालय में आज मीटिंग रखी गई है, तो किस तरह की मीटिंग आज रखी गई है? मीटिंग ये रखी गई है, हर पार्षद ने अपने अपने विचार रखे जी। कल ईद का त्योहार है, जनता को संदेश दें, जनता को मुबारकबाद दें और जनता से अपील करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आए और समझे। हम आप हर पार्षद ने अपनी बात रखी, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है, क्यों हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों हम MIM हमने क्यों ज्वाइन की, यही उद्देश्य आज हमारी ये मीटिंग थी। अच्छा, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को और ईद के बारे में कुछ कहें? कल ईद का एक बहुत बड़ा पर्व मुसलमानों का है, जिन्होंने 30 दिन के रोजे रख के ईद मनाई जाती है। हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने बहुत शिद्दत के साथ रोजे रखे और दुआएं मांगी, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे। और जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे, जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक गंगा जमुना तहजीब कायम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलके होली मनाना, दिवाली मनाना, ईद मनाना करते हैं, उसी तरीके से ईद को भी मनाया जाए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के जाए, अफवाहों पर न जाए। सोशल मीडिया पे जो कुछ लोग तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं इसको खत्म करें, यूनाइट होने की कोशिश करें और ये देखें कि वो पार्टी जो संविधान की, आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमको, हमारे लिए पहले कुरान है, उसके बाद हिंदुस्तान में रहने का संविधान है। तो जितने लोग हैं हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सब संविधान को माने, संविधान को देखते हुए कि संविधान का रक्षक कौन है आज की डेट में और कौन बक्षक, इस चीज की उनको मंथन करना चाहिए। और जो संविधान का रक्षक है, जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी, इनको साथ में आकर इनकी पूरी जानकारी लेकर, मिशन लेकर, तब अपना एक कीमती वोट हमको दें। सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं प्रयागराज शहर में? प्रयागराज शहर में जिस एरिया के अंदर हम कल नीमसराय गए, बेगम बाजार गए, बमरौली गए जी, जो चीजें दिक्कतें दिखी, गंदगी बेसुमार है जी, कोई रोड टूटी फूटी है इसी तरह है, हम कटौला गए इसी तरह की देखा, नैनी गए वहां भी चीज झूसी है जी, बहराना गए, दरियाबाद के अटाले के अंदर जिंदगी बेसुमार है। तो नकी जी, आपकी तैयारी किस तरह से पूरी हो चुकी है या फिर अभी चल रही है? हमारी तैयारी 70-80% पूरी हो चुकी है और इंशाल्लाह
और भी जो है उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब की महापौर किस पार्टी का आएगा, सपा बीजेपी या फिर AIMIM का? भाई कोशिश तो यही है और जो माहौल दिख रहा है इंशाल्लाह की सीट हम जीत करके दिखाएंगे। अच्छा, तो जैसा कि आप बात करते हैं किसी जाति विशेष से नहीं, धर्म विशेष से नहीं, लेकिन अभी आपके ही पार्टी से सपा छोड़ के जो नेता आए हुए हैं उन्होंने धर्म की बात की है कि वो सपा इसीलिए छोड़ के आए कि उनके पार्टी में मुस्लिम भाई लोग को ठीक से देख रेख नहीं होता, ऐसा कुछ? भाई उनको ऐसा लगा तभी तो उन्होंने ऐसा किया, और ये सच है कि सपा ने हमको सिर्फ यूज किया है जी, हमको कुछ नहीं किया, हमारे साथ सरासर बेइंसाफी हुई है। आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब ने हमको एक राह दिखाई है, इंशाल्लाह उस पे हम लोग चल करके देखेंगे और कामयाबी की तरफ हम दिख रहे हैं। अच्छा, तो आपने क्या मुद्दा सोचा है अगर आप महापौर बनते हैं तो आप शहर के लिए क्या करेंगे? हम अपने शहर के लिए सबसे पहले जैसे हॉट टैक्स है जी, स्कूल कॉलेज बिल्कुल ध्वस्त पड़े हुए हैं जी जी, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए धक्के खाते रहिए, जितनी भी चीजें हैं हाउस टैक्स बिजली का भी देख लिए, रोडों को देख लिए, जो जो दिक्कतें हैं हम अगर बन गए तो सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो किस तरह की समस्याएं दूर करेंगे? क्या आप हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ कर देंगे या फिर कम करेंगे? कम करने की बात करेंगे, माफ तो नहीं हो सकता, ये है कि जैसे 50% की छूट होती है जी, ये हो सकती है, ये टैक्स जैसे एक्स्ट्रा लग करके आ रहे हैं वो खत्म होनी चाहिए, 30,000 रुपए आ रहे तो 30,000 रुपए उसके ब्याज आ रहे, ब्याज माफ होना चाहिए। आप ये बताइए कि आप वार्ड में टहल रहे तो आपको किस तरह से सहयोग मिल रहा है? हम जितने भी वार्ड में जा रहे हैं हमको बहुत लोग लाइक कर रहे हैं जी जी, और जिस जिस जगह भी गए उन्होंने, ये नहीं है कि खाली हम मुस्लिम के पास जा रहे हैं, हमारे पास इसको बंद कर दिया, हम जिस जिस जगह पर गए हिंदू हो या मुस्लिम हो जी, जो लोग भी हैं बहुत कहते से मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं उनका हम बहुत तहदील से शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि वार्ड प्रयागराज में 100 है और उसके बाद पार्षद सिर्फ 10, तो क्या दिक्कतें, कई दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा? हमको कोई दिक्कत नहीं है जी, हमको खाली 10 सभासद से मतलब नहीं है, हम इसी शहर के हैं, इसी शहर के लोग हमको बहुत लाइक करते हैं और जिस जिस जगह भी जा रहे हैं वो लोग हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम 10 सभासद की बात करें जी, इंशाल्लाह हमको 100 की 100 लोगों से वोट मिलेगा। अच्छा, तो कैसे जब आपका पार्षद ही नहीं रहेगा तो 100 का 100 वोट कैसे आप तो हमारे करेंगे? हमारे ट्रम्प से हमारे तालुकात है। अच्छा, और हमारी मेहनत है, हम हर वार्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बताया आपसे भी 70-80 वार्ड करीब करीब हो चुका और जो कुछ बचे हैं वो भी जाएंगे जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे साथ AIMIM के महापौर के प्रत्याशी मोहम्मद नकी खान जी थे, तो उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो प्रयागराज में किस तरह से समस्याएं देखते हैं अगर वो महापौर बनते हैं तो वो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जितने भी हैं उसको कम करेंगे। तो इनसे बातचीत करके हमें काफी अच्छा लगा, ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MT Talks को फॉलो करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा। मैं सुजीश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।